हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 2 दैट इज फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स में एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? इसमें दो पार्ट्स हैं। एक पहला है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। आपको 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है। सेकेंड इज एक्सप्रेस 35 mm का मतलब मिलीमीटर। 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर, सीएम का मतलब सेंटीमीटर, एम का मतलब मीटर एंड केएम का मतलब किलोमीटर। मतलब ये 35 मिलीमीटर को आपको सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना है, मीटर में एक्सप्रेस करना है और किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए सबसे पहले नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। 5 सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर और किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले आप बताइए, एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? एक मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। और आप बताइए कि एक किलोमीटर में, किलोमीटर को मैं केएम लिख रही हूं, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। होते हैं कि नहीं, ये आप लोग को लर्न करना पड़ेगा कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर। आप लोग को लर्न होगा भी क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ये सारी चीजें पढ़ी है। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर एंड एक किलोमीटर में 1000 मीटर। अगर मैं किलोमीटर को सेंटीमीटर में पूछूं कि एक किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, कैसे होगा? यहाँ पे एक किलोमीटर के एक किलोमीटर लिखिए और फिर यहाँ 1000 में 1000 लिखिए। इस मीटर को क्या मैं 1000 को 1000 इंटू 1 लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ कि नहीं? 1000 को 1000 इंटू 1, 1000 बन जाए 1000, बात तो वही है। सो 1000 इंटू 1 मीटर इसको मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखिए 1000 इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैं इस 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख देती हूं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए, तो नंबर नंबर का मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 और जितने जीरो है यहां पे लगा दीजिए, यहां 3 और यहां 2, 5 जीरो। कितना सेंटीमीटर? मीन्स एक किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब आपको सब कुछ पता है, अब आप फाइंड आउट कर सकते हो 5 सेंटीमीटर को आपको क्या करना है, मीटर में और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो एक सेंटीमीटर में कितना मीटर बताइए? 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा? यहां 100 सेंटीमीटर में एक मीटर था, तो 1 सेंटीमीटर अभी यहां पे ज्यादा था, अब मैं कम पूछ रही हूं। देखिए यहां पे 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर था, अब मैं 1 सेंटीमीटर में पूछूं कितना मीटर, तो कम के लिए क्या होता है? डिवाइड। ये जो 100 यहां पे है ये इस साइड आएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहां पे 1 है और ये 100 इस साइड डिवाइड अपने हो जाएगा, इतना मीटर। मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर। ये आप लोग लर्न कर लेना। कभी भी जब हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में लिखते हैं, छोटी यूनिट को जब बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा डिवाइड होता है। और बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में, देखिए मीटर बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट, सेंटीमीटर इतना ही होता है और एक मीटर इतना बड़ा होता है। तो बड़ी यूनिट को जब छोटी यूनिट में लिखते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है, और जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में लिखते हैं सो हमेशा डिवाइड होता है। तो अब यहाँ पे यही वाला लिखिए, ये है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर। सो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना मीटर होगा? 5 सेंट, ये कम के लिए था, ज्यादा के लिए अब मैं बोल रही हूं तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई होगा, तो 1/100 इंटू 5 मीटर हो जाएगा। 5 को 5/1 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 1 जा 5, 100 1 जा 100, इतना मीटर। अब फिर वही इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अभी पॉइंट यहाँ पे है 5.0, है ना, किसी नंबर के आगे 0.0 आप लगा सकते हो। आपको ये पॉइंट लेफ्ट साइड 2 डिजिट पहले शिफ्ट करना है क्योंकि यहाँ पे 20 है। जब 20 से डिवाइड होता है 20 वाले नंबर से, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये लेफ्ट साइड 2 डिजिट शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, हम 0 अज्यूम करेंगे। यहाँ पे 5 ये पहला डिजिट हो गया यहाँ पे, और फिर एक 0 बढ़ा लेंगे ये दूसरा डिजिट हो गया, पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और पॉइंट के पहले हम एडमिशन 0 लगा देते हैं, और ये वाला जो 0 है आप चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए, नहीं लिखा जाता है। सो 0.05 मीटर हम लोगों ने निकाल लिया, 5 सेंटीमीटर में 0.05 मीटर होते हैं।
देखिए अब हमें किलोमीटर में निकालना है 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में, सेंटीमीटर किलोमीटर का रिलेशन यहाँ पे है, सेंटीमीटर को किलोमीटर में यहाँ पे देखना है कि एक सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर होता है। अभी हमको पता है कि एक किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर, तो एक सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर, चलिए यहाँ पे एक सेंटीमीटर को बचाइए और इस साइड बताइए कितना किलोमीटर होगा। तो वही बात, यहाँ ज्यादा था 1,00,000 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर, ये पूरा जो है इधर डिवाइड में आ जाएगा, हो जाएगा 1/1,00,000। समझ आ रहा है, इतना किलोमीटर हो जाएगा। ये वाला पॉइंट भी आप लोग याद रखना, 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर में 1/1,00,000 किलोमीटर। अब ये वाला स्टेटमेंट लिखते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/1,00,000 किलोमीटर। तो कितना सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर होगा, तो 1/1,00,000 इंटू 5 किलोमीटर। मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 × 5 एंड नीचे 1,00,000, इतना किलोमीटर। अब यहां बताइए, नीचे 50 है, इसका मतलब जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट साइड 5 डिजिट शिफ्ट होगी। अभी डेसिमल पॉइंट कहां पे है, यहां पे है 5.0, यहां पे है 5.0 है। अब मैं आपको बता चुकी हूं कि कभी भी डेसिमल में आप चाहे पीछे जितना भी जीरो लगा दीजिए नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे चाहे जितना भी जीरो लगा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जहां पे नीड हो हम वहां पे जीरो एक्सटेंड कर लेंगे। तो हमें अभी यहाँ पे नीड है क्योंकि हमें 5 डिजिट लेफ्ट साइड मूव करना है इस डेसिमल पॉइंट को, तो चलिए करते हैं। अभी यहाँ पे डेसिमल है, ये 5 डिजिट अभी शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड, तो ये हो गया फर्स्ट, मतलब यहाँ पे पहला शिफ्ट, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 डिजिट शिफ्ट हो गया। डेसिमल हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है, लिख लीजिए 0.00005। और ये जो जीरो है इसको लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप लिख भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं बताई हूँ कि अगर पॉइंट लगा है तो आगे चाहे जितना जीरो बढ़ा दीजिए नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, जहां पे हमें नीड होती है वहीं पे बढ़ाते हैं। सो दिस इज माई आंसर, इतना किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर में इतना किलोमीटर, यही आपका आंसर है। अब सेकेंड सॉल्व करेंगे, सेकेंड आपको 35 mm को सेंटीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले बताइए 1 मीटर में या 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। सो अगर मैं 1 मिलीमीटर में पूछूं कि कितना सेंटीमीटर, तो यहां पे ज्यादा है 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर, इधर ये डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, ये सब आप लोगों को आना चाहिए। अब चलिए कन्वर्ट करते हैं, 35 mm है, इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए जब mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे 1 mm इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर, तो 35 mm इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/10 × 35, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, इतना सेंटीमीटर। नाउ 35 को 35/1 लिख सकते हैं, ये होगा 35 × 1 = 35, 10 × 1 = 10, इतना सेंटीमीटर। आप बताइए ये नीचे 1 जीरो है, इसका मतलब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड 1 डिजिट मूव करेगा। अभी कहाँ पे है डेसिमल, अभी यहाँ पे है 0.0, अब ये पॉइंट जो है 1 डिजिट शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 3.5। आप यहाँ ये वाला जीरो चाहे आप लगाइए चाहे ना लगाइए, तो 3.5 सेंटीमीटर आपका आंसर है, 35 mm इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, आप लोगों ने एक सॉल्व कर लिया। अब 35 mm को मीटर में कन्वर्ट करना है। अब आप लोग बताइए mm और मीटर के बीच में रिलेशन, 1 मीटर में कितने mm होते हैं, यहाँ पे लिखिए 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 mm, ये भी आप लोग लर्न कर लेना कि 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। तो 1 mm में बताइए कितना मीटर होगा,
उसी तरीके से ये वाला डिवाइड में आ जाएगा 1/1000 मीटर। अब चलिए यही वाला स्टेटमेंट यहां लिखते हैं, 1 mm इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। तो बताइए 35 mm कितने, 35 mm में कितने मीटर होंगे, तो 35 mm इज इक्वल टू 1/1000 इंटू 35 मीटर। 35 को 35/1 लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई 35 एंड 1000 बन जा 1000 मीटर। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट पीछे शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड, मतलब अभी डेसिमल यहाँ पे है, 3 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, ये फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट और यहाँ पे एक जीरो बढ़ा के थर्ड डिजिट बना लीजिए तो हो जाएगा 0.035। और मैंने बताया है पॉइंट के पहले वाला होल नंबर पार्ट होता है, यहाँ अगर कुछ नहीं है तो एक जीरो लगा लेना, और ये वाला जो जीरो है आप यहाँ पे चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही आपका आंसर है। सो 35 mm में 0.035 मीटर, यही आपका आंसर है। आप इस 35 mm को किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना है, तो mm और किलोमीटर का रिलेशन हम निकाल लेते हैं। देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यहां पे मैं लिखती हूं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। इस 1000 को मैं 1000 इंटू 1 मीटर लिख सकती हूँ, क्योंकि 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1000 ही आएगा। फिर यहाँ पे 1000 है और इस 1 मीटर को मैं 1000 mm लिख सकती हूँ, 1000 mm, 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कराइए तो हो जाएगा 1 लिख के 60 इतना mm, मीन्स 1 किलोमीटर में इतने mm होते हैं, कितना हुआ ये 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 lakh, 10 lakh, 1 किलोमीटर में 10 lakh mm। तो आपको निकालना है कि 1 mm में कितना किलोमीटर, यहाँ पे 1 mm बचाइए तो ये जो 10 lakh है ये इस साइड आ जाएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा 1/10 lakh किलोमीटर। सो 1 mm में 1/1 lakh किलोमीटर, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं इसको इरेज करके। आपको 35 mm को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमें mm और किलोमीटर का रिलेशन पता होना चाहिए, तो यहां पे मैंने निकाल लिया है कि 1 mm में इतना किलोमीटर, लिखिए 1 mm इज इक्वल टू 1/10 lakh, 60 है ना, इतना किलोमीटर होता है। सो 35 mm में कितना किलोमीटर होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 से इंटू 35 किलोमीटर होगा, 35 को 35 वही 1 लिख सकते हैं, अब 35 बन जा 35/1 लिख के 60 इतना किलोमीटर। अब बताइए कैसे डेसिमल कहां पे शिफ्ट होगा, कितने पॉइंट कितने प्लेस पे शिफ्ट होगा, कितना 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका मतलब ये जो डेसिमल होगा यहाँ पे ये लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा 6 डिजिट। अभी डेसिमल कहाँ पे है, अभी यहाँ पे है, चलिए देख लेते हैं 35.0 है, डेसिमल आपका 6 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा क्योंकि यहाँ पे 60 है। तो आप क्या करिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 0 आप बढ़ा दीजिए, मैंने बताया है ना कि कभी भी डेसिमल नंबर के चाहे पीछे जितना 0 बढ़ा दो चाहे आगे जितना 0 बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर वही रहता है। तो हमें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 0 बढ़ा रहे हैं, हमें 6 डिजिट शिफ्ट करना है, चलिए ये फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डिजिट शिफ्ट होके डेसिमल अब यहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ पे नहीं रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा। और यहाँ पे 2 जीरो लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 जीरो सफिशियंट होता है पॉइंट के पहले लिखने के लिए, तो हो जाएगा 0.000035 और ये पॉइंट यहां से हट चुका है, अब यहां पे पॉइंट मत लगाना, और ये 0 चाहे आप लिखो या ना लिखो, क्योंकि मैंने कहा कि अगर पॉइंट में कोई नंबर है मतलब डेसिमल है, अगर डेसिमल के आगे चाहे जितना 0 लगा दीजिए चाहे पीछे जितना 0 लगा दीजिए नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम यहां 0 नहीं लगाएंगे, यही आपका आंसर है इतना किलोमीटर। सो 35 mm इज इक्वल टू 0.000035 किलोमीटर, समझ में आया बच्चों। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।